एक्चुअली ये इवेंट है श्रेयास फिल्म्स की. ये बैनर ने आज 3 फिल्मों का मुहूर्त किया है, जिसके अंदर सैयान सुपरस्टार पवन जी हैं, आतंकवादी में खेसारी जी हैं और प्रेम कैदी में आप सबके चहेते चिंटू जी हैं. तो बस आज की मूवी है, आपके किरदार की बात करें. नहीं, इस ये आज हम लोग इनको गुड विशेस देने के लिए पहुंचे हैं. सिर्फ हीरो फाइनल हुए, हीरोइन सभी फाइनल नहीं हुई हैं. तो ये आज हम सबका प्यार है कि हम सब यहाँ पे उनको बधाइयाँ देने पहुँचे हैं. ये मेरा कह सकते हैं कि ये बैनर ने मुझे कमबैक करवाया था, तो मेरा तो आना बनता है. क्या क्या रनिंग प्रोजेक्ट है अभी? अभी हाल फिलहाल में मेरी फिल्में रिलीज होने वाली हैं, दीवाने, बागी इश्क सहनसा और इलाहाबाद से इस्लामाबाद. आई थिंक नेक्स्ट मंथ से शूटिंग स्टार्ट होगी बहुत जल्द. थैंक यू. काफी भीड़ है, जमावड़ है, पूरी इंडस्ट्री यहाँ पे है, क्या है बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि हम भोजपुरी के कोई भी काम करते हैं और हमारी पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री से उसमें आती है, तो एक खुशी का पल है और हमें इंजॉय करना चाहिए. हम इंजॉय कर भी रहे हैं कि हमारा ये खुशी का माहौल हर फिल्मों में देखने को मिले, हर फिल्म के मुहूर्त में ऐसा चीज़ें देखने को मिले, अक्सर मिलता नहीं है. लेकिन प्रेम राय जी ने बहुत सारी चीज़ों को अरेंजमेंट किया है और अच्छा लगा कि पूरी इंडस्ट्री को इन्होंने दावत दिया और पूरी इंडस्ट्री को बुलाया और आदर सम्मान से सबको सम्मान. सर, अगर बात करें इसकी, ये जो है आतंकवादी क्या है और किस तरह किरदार है? देखिए, आतंकवादी एक ऐसी फिल्म है जिसमें एक हालात इंसान को क्या बना देता है. हर पढ़े लिखे लोग मास्टर की नौकरी के लिए दौड़ते हैं, फौजी बनना चाहते हैं. हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा ये बने, लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं जो वो फौजी ना बन के, मास्टर ना बन के, अफसर ना बन के वो कहीं और चला जाता है. और उसका कारण सिर्फ हालात है, आतंकवादी कोई पेट से पैदा नहीं होता है. तो उस फिल्म में दिखाया जाएगा कि आज हमारे गांव के लड़के जो पढ़ लिख कर बेरोज़गार हैं, ऐसी सिचुएशन पैदा होती है उनके घर परिवार में, ऐसी उनके माहौल में क्यों आतंकवादी बन जाते हैं और गलत रास्ता अपना लेते हैं. वही चीज़ें इस फिल्म में दिखाई. क्या समझा नहीं? आपके साथ पार्टनर का कौन है? महिला कलाकार मुझे अभी तक पता नहीं है. ऐसे मैं हूँ ये मुझे पता है, महिला कलाकार कौन है अभी तक मुझे इन्फॉर्म नहीं है और कंफर्म भी नहीं है. 15 अगस्त के लिए मेरे तरफ से जितने भी हमारे इस चैनल को देखने वाले लोग हैं सबको ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं. और रनिंग प्रोजेक्ट आजकल क्या? अभी मेरी फिल्म एक 9 सितंबर को रिलीज़ होने वाली है, जिस फिल्म का नाम है होगी प्यार की जीत, जिसमें राहुल कपूर जी प्रोड्यूसर हैं, बंटी जी डायरेक्टर हैं, स्वीटी छावड़ा और मैं दोनों हीरो हीरोइन हैं. और वो 9 सितंबर को एक धमाल होगा, ताकि वो कि मेरे जीवन की सबसे उम्दा फिल्म है और बहुत मज़ा आया है मुझे काम करके और अच्छा लगा. बात करें आजकल क्या है भोजपुरी के लोग, टीवी में भी काफ़ी लोग छोटे पर्दे पर भी आना स्टार्ट हो गए हैं, क्या कहना है? देखिए, इंसान को मुकाम कहीं से मिलना चाहिए, बशर्ते वो बुरा ना करे. वो कहीं भी अपने कला को बेच रहा है, इससे हम लोग को आपत्ति नहीं है. हमें खुशी होती है कि वो छोटे पर्दे पे भी, हिंदी के भी पर्दे पर जाकर और हमारे भोजपुरी के झंडा को लहरा रहे हैं. तो हम उन्हें सलाम करते हैं कि ऐसे ही लहराते रहें और हमारी भोजपुरी भाषा आगे जाती है. सर, बिहार में बाढ़ आई है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बिहार में अब देखिए, अब हम तो पानी छोड़े नहीं हैं. सबसे बड़ी चीज़ कि मैं उस बाढ़ से जितने भी लोग तबाह हुए हैं उनके लिए मैं दिल से दुआ करूँगा कि भगवान दोबारा उनके सर पर छत हो और दोबारा वो फसलें हो और उनको कोई कष्ट ना हो और ईश्वर उनको ऐसे मुकाम दे कि फिर वो कष्ट को भुला सकें और चीज़ों को समझ सकें. थैंक यू. लव हाय, मैं खेसारी लाल यादव आप सबको प्रणाम करता हूँ. आप सब देख रहे हैं प्लानेट भोजपुरी, ऐसे ही देखते रहिए और मजाक करते रहिए खेसारी के साथ. साथ में खेसारी भाई आओ ना बीच में. हाँ, तीनों को भाई टोपी आ रही है, टोपी आ रही है. नीचे जूम कर, नीचे जा. थैंक यू.
जी है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत भीड़ है, हम लोग कुछ कुछ खड़े हुए, जगह नहीं मिल रही है, जल्दी जल्दी पूछ लो, पूछ लो जल्दी। मतलब म्यूजिक हाँ जी, अरे हाँ, क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में? बहुत बहुत मुबारक हो प्रेम भाई जी को, उन्होंने इतना बढ़िया 3 फिल्मों का एक साथ मुहूर्त किया है, ऑल दी बेस्ट। हाँ, ट्रिपल धमाल, और वो जब से इंडस्ट्री में आए हैं धमाल ही धमाल कर रहे हैं, तो ऑल दी बेस्ट प्रेम राय जी, आपकी सारी फिल्में सुपर डुपर हिट हो, यही हम लोग चाहते हैं। राइट, केसरलाल की मूवी है, आप उनको मिस करने पहुंचे हैं, क्या कहना? एक मिनट भाई साहब, आपको ले लेता हूं, उनको छोड़ देता हूं यार, केसरलाल जी को मिस करने पहुंचे हैं, केसरलाल जी की एक आतंकवादी जो मूवी है उसको मिस करने पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? केसरलाल जी से पूछे वो आतंकवादी बने क्यों, हम लोग बहुत खुश है। देखिए, मैं आतंकवादी हूँ या नहीं हूँ, लेकिन हालात अगर बन जाएगा ना तो इन दोनों लड़कियों को मार सकता हूँ। हालात अगर पैदा करेंगी ना तो मैं डिप्रेशन में भी जाता हूँ। डाकू को ये लड़की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। एक बात बताएं, इंसान का बिगड़ने का भी वजह लड़कियां ही होती है और बनने का भी वजह लड़कियां ही होती है। चिपके अभी तो आप? नहीं, मैं नहीं चिपका। नहीं, खुले हम चिपका चिपकी नहीं करते, टेंशन नहीं। बहुत अच्छी एक्टर है, बहुत अच्छी। क्या चल रहा है? वो तो यही बता सकते क्या चल रहा है। आपके प्रोजेक्ट की बात करें तो? मेरे प्रोजेक्ट की बात करें तो मेरे आने वाले प्रोजेक्ट है बेटा और मोकामा और कौन सी है, और भी है एक दो फिल्में, अभी शहनशाह है, दिल है कि मानता नहीं, तेरा जैसा यार का, काफी सारी फिल्में हैं जो आने वाली हैं। थैंक यू। आज की बात करें इवेंट की, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का इवेंट है? काफी जमावड़ा है यहाँ पे, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री आई है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर यहाँ तक सुपरस्टार केसरी लाल भी पहुंचे हैं। यहाँ पर क्या है कि 3 फिल्मों का चूंकि मुहूर्त है और तमाम कलाकार हैं, जिसमें फिल्म प्रेम कैदी जिसमें प्रदीप पांडे चिंटू हीरो हैं, और 2 फिल्में और भी उनकी जो शुरू हो रही हैं, और बस उसी की खुशी में हम लोग सब यहाँ पर आए हैं, क्योंकि मुहूर्त का मौका है, खुशी का मौका है, पूरी जो भोजपुरी इंडस्ट्री है उसके जितने लोग परिवार हैं, पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं बहुत खुशी का और जश्न का माहौल है, और मुझे भी बहुत खुशी है, और मैं आपके चैनल पर चूँकि बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा खुशी कि हमारे दर्शक जो प्लानट चैनल नया शुरू हो रहा है इसके साथ जुड़ पा रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद इनके शुरू करने वाले टेक्नीशियन टीम सब। मैं जानता ही नहीं उसके बारे में अभी कुछ, इसलिए कुछ नहीं बोल सकता। मैं प्रेम कैदी के बारे में बोल सकता हूँ, प्रेम कैदी की बात करें कि वो अभी प्रदीप पांडे की बहुत बड़ी हिट हुई है पिक्चर दुल्हन छह पाकिस्तान से, और उसी श्रेणी में दूसरी पिक्चर आ रही है, तो वो उसमें जो है ये पिक्चर है और भी शुरुआत इसकी। अभी केसरी लाल काफी काफी बढ़ गया है, एक तरह से ये पूरी भीड़ है बिल्कुल अपने फैंस के बीच में, कभी क्या क्या चाहेंगे, चिंता में फोटो ले रहे हैं लोग, भीड़ इतनी है। अच्छा लगता है कलाकार को जब सम्मान देते हैं लोग, तो कलाकार का हौसला और बढ़ता है, और वो बहुत उनको कहीं ना कहीं मनोबल मिलता है, और अच्छा कार्य कर पाए इसके लिए उनको बहुत सारी हिम्मत मिलती है, तो यही प्यार यही दुलार अपने कलाकारों के लिए बना के रखिए। चिंटू को जो लोगों ने प्यार दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अपने दर्शकों का और सभी लोगों का, सभी टीम टेक्नीशियन मीडिया सबका, कि मेरी फिल्म दुल्हन छह पाकिस्तान को इतना बड़ा हिट किया और बहुत सारा प्यार दिला दिया। चिंटू को बॉलीवुड के भोजपुरी लोगों को बहुत प्यार मिला है, और सारा क्रेडिट किसको जाता है अगर बात करें? दर्शक को, क्योंकि दर्शक ना हो तो कोई भी ना हो, उनके साथ टीम टेक्नीशियन और आप लोग जो मीडिया के लोग हैं, क्योंकि जब तक आप नहीं जोड़ेंगे दर्शकों से तब तक कोई बात नहीं बन पाती है, और कहीं ना कहीं चिंटू का अपना भी बहुत ज़्यादा मेहनत है और बहुत मेहनत करते हैं, और ये सारी क्रेडिट पहले बार तो जनता और बाकी जो टीम करती है काम उन सबका। अभी मेरी फिल्म रिलीज़ होगी ट्रक ड्राइवर 2, जिसमें फिर से चिंटू हैं, सुशील सिंह हैं, तमाम कलाकार हैं, और चिंटू की दूसरी फिल्म आ रही है जिसका नाम है दीवाने, बहुत जल्द बकरीद पर शायद रिलीज़ होगी पिक्चर, तो तमाम प्रोजेक्ट हैं जो जिस तरह मैं बनाता आ रहा हूँ, और दर्शकों को बहुत सारा उस तरह का अपना मज़ा जो राजकुमार पांडे वाला स्टाइल है मिलता रहेगा देखने को और सुनने को, और सिनेमा का मज़ा लेते रहें।